मेरा नाम रक्षा है, मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम पोदार इंटरनेशनल स्कूल है। आदरणीय गुरुजन एवं मेरे सहपाठियों, आज मेरे भाषण का शिक्षक है कि मैं साधनहीन बच्चों को क्या और क्यों दूंगी जिससे वे अपना त्योहार मना सके। साधनहीन बच्चों की मदद से बड़ा कोई पूर्ण नहीं है, खासकर साधनहीन बच्चों की शिक्षा और उन्हें सही राह दिखाना हमारे समाज के प्रति एक फर्ज है। इसी विचार के मद्देनजर मैं साधनहीन बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तकें देना चाहूंगी। शिक्षा का मकसद है एक खाली दिमाग को खुले दिमाग में परिवर्तित करना, और बिना शिक्षा प्राप्त किए कोई भी व्यक्ति अपनी परम ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। शिक्षित व्यक्ति ही शिक्षित और शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण कर सकता है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। विद्यार्थी के मन में स्कूल की वर्दी पहन कर ही शिष्टाचार के गुण पैदा होते हैं। इसलिए मैं साधनहीन बच्चों को कपड़े देना चाहूंगी, साफ स्वच्छ और सभ्य कपड़े जिसे पहनकर उनमें आत्मविश्वास जागे और अमीर गरीब का अंतर खत्म हो सके। सभ्य पहनावा न केवल एकता का प्रतीक माना जाता है, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व से दूसरों को भी प्रभावित करता है। आदर्श व्यक्ति की पहचान है शिक्षा और सभ्य पहनावा। आदर्श व्यक्ति यानी कि आदर्श राष्ट्र। अब आप यह सोच रहे होंगे कि पुस्तकें और सभ्य कपड़े से उनका त्योहार कैसे मनेगा, परंतु इसके पीछे मेरा मकसद यह है कि वे शिक्षा प्राप्त कर इतने आत्मनिर्भर बन जाएं जिससे वे अपना त्योहार अपने बल बूते पर मना सकें। आत्मनिर्भरता से सजगता एवं ईमानदारी आती है, जिससे जागरूक और सभ्य राष्ट्र का निर्माण होता है। धन्यवाद।